नमस्कार मेरे व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल क्रिकेट टॉक विद ट्विगल्स पे। दोस्तों, मेरे पास हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनकी रिक्वेस्ट आई थी, जिनका नाम है अरफात हुसैन। दोस्तों, उन्होंने बोला कि SRH यानी कि हैदराबाद की टीम पर एक डेडिकेटेड आप वीडियो बना दीजिए, जिसमें हैदराबाद की टारगेटेड प्लेइंग 11 के बारे में, किस प्लेयर को टारगेट कर सकती है और किन प्लेयरों से अपनी प्लेइंग 11 तैयार कर सकती है, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, उनकी ख्वाहिश पे मैं ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोगों के सभी के सामने, जिसमें आज हम जानने वाले हैं हैदराबाद की टारगेटेड लिस्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी कोई वीडियो मैं अपने चैनल पर बनाऊँ, तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका नाम लूँगा अपनी वीडियो में, जैसे इनका लिया है, और एक आपकी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्कंद पाठक, आप देख रहे हो अपना चैनल क्रिकेट टॉक विद ट्विगल्स। तो दोस्तों, हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा सरदर्द रहा है उनके ओवरसीज प्लेयर। दोस्तों, उनके पास इतने अच्छे ओवरसीज प्लेयर हैं कि वो चाहे तो 5-6 भी खिला सकते हैं, पर रूल्स के अकॉर्डिंग वो सिर्फ 4 अब तक खिला सकते थे। अगर रूल्स आ जाता है कि 5 प्लेयर ओवरसीज खेल सकते हैं, तो हैदराबाद की टीम के लिए बहुत अच्छी बात है, वरना दोस्तों हैदराबाद की टीम हमें फंसते हुए नजर आ सकती है फिर से। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि स्लॉट कौन कौन से खाली हैं हैदराबाद की टीम में। दोस्तों, ओपनिंग के दोनों स्लॉट खाली हैं। नंबर 3 पे केन विलियमसन है, नंबर 4 पे मनीष पांडे है, नंबर 5 का स्लॉट खाली है, नंबर 6 का स्लॉट खाली है, नंबर 7 का स्लॉट खाली है, नंबर 8 पे हमारे हो जाते हैं राशिद खान, नंबर 9 का स्लॉट खाली है, और नंबर 10 पे टी नटराजन, और नंबर 11 पे भुवनेश्वर कुमार। अब दोस्तों, ये कुछ स्लॉट जो खाली हैं, इनको भरना चाहेगी हैदराबाद की टीम। चलो दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से वो प्लेयर हो सकते हैं जिनसे हैदराबाद की टीम उन प्लेयर को, उन स्लॉटों को भरेगी। दोस्तों, अगर आप हर टीम के रिटेन प्लेयर और लिस्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, आप जाके उसे देख सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं SRH की टीम की। दोस्तों, ओपनिंग से शुरुआत कर लेते हैं इनको। तो दोस्तों, नंबर 1 इनके ओपनर रह सकते हैं या तो जॉस बटलर या फिर जॉनी बेस्ट हो, दोनों में से किसी एक के पीछे ये टीम जा सकती है, जो कि विकेट कीपिंग भी इनको करके देंगे और ओपन भी करेंगे। दोस्तों अगर बात करें दूसरे ओपनर की, तो दोस्तों ये टीम या तो एक यंग टैलेंट पे दाव खेल सकती है, या फिर एक एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ जा सकती है। यंग टैलेंट यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं और एक्सपीरियंस रॉबिन उथप्पा हो सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को पिक कर सकती है ये टीम। दोस्तों, अगर अब हम नंबर 3 की बात करें, तो उस पर हो सकते हैं केन विलियमसन, नंबर 4 पे हो सकते हैं दोस्तों मनीष पांडे। अब दोस्तों, 5वें स्लॉट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस प्लेयर को पिक करें, और चलिए देख लेते हैं किस प्लेयर को हम पिक करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये टीम जा सकती है नंबर 5 के लिए अंबती रायडू की तरफ। दोस्तों, अंबती रायडू ने जो पारी खेली थी मुंबई इंडियन के खिलाफ, उस वजह से उनके बिकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, और अच्छी बिड में बिकने के चांसेस हैं। बिक तो वैसे भी जाते हैं, लेकिन अब अच्छी बिड में बिक सकते हैं, तो हो सकता है हैदराबाद की टीम अंबती रायडू को अपनी टीम में शामिल कर ले। और दोस्तों, नंबर 6 की बात करें, तो नंबर 6 पे ये टीम जा सकती है दीपक हुड्डा या फिर कुणाल पांडे की तरफ, क्योंकि इन्हें एक फिनिशर के तौर पे एक प्लेयर भी चाहिए दोस्तों, तो ये इस प्लेयर को पिक कर सकती है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो ये जा सकती है दोस्तों ड्वेन ब्रावो की तरफ, जो इनको डेथ में बॉलिंग करके दे सकते हैं और पावर हिटर भी हैं दोस्तों अच्छे खासे, एंड में आके गेम को फिनिश कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद राशिद खान हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब बात करें 9वें नंबर की, तो ये हो सकता है एक स्पिनर की तरफ जाए जो कि राशिद खान का साथ दे, जैसे कि युजवेंद्र चहल या फिर रवि बिश्नोई, इन दोनों में किसी एक को पिक कर सकती है ये टीम। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों कुछ अन्य प्लेयर जिनको ये टीम पिक कर सकती है, उसमें हो सकते हैं दोस्तों अब्दुल समद, शिवम दुबे, हर्षल पटेल, आवेश खान, मयंक कुमार कंडे, क्रिस लिन और सौरभ तिवारी। दोस्तों, ये कुछ प्लेयर हो सकते हैं जिनको और टारगेट कर सकती है हैदराबाद की टीम। आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।